मारुति सुजुकी की कार्स कई सारी चीजों के लिए फेमस हैं। पहली चीज है इन गाड़ियों की माइलेज, दूसरी चीज है इन गाड़ियों की रिलायबिलिटी और तीसरी चीज है इनकी चीप सर्विस कॉस्ट। बट एक चीज जिसके लिए इनकी कार्स पॉपुलर नहीं है वो है इनकी गाड़ियों की बैड क्रैश रेटिंग। बट मारुति सुजुकी ने रिसेंटली एक नया वीडियो रिलीज किया है, एक नया क्रैश टेस्ट फुटेज निकाला है अपनी ब्रेजा और फ्रॉन्क्स का। इस वीडियो में इन्होंने इन दोनों गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है बट इन दोनों गाड़ियों को क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं दी है। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे कंपनी इसे इंटरनल रिसर्च पर्पस के लिए टेस्ट कर रही थी। यहाँ पे मारुति का कहना ये है कि ये अपनी कार्स को डिस्ट्रक्टिव और इनडिस्ट्रक्टिव स्ट्रिंजेंट टेस्ट के थ्रू लेकर जाते हैं जस्ट टू प्रिपेयर दिस कार्स फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स ऑन रोड। ये जो क्रैश टेस्ट है ये मारुति ने करा है अपनी खुद की क्रैश टेस्ट फैसिलिटी पे, जिससे इन गाड़ियों को मारुति क्लोजली इवेल्युएट कर सके और देख सके जो इन व्हीकल्स की सेफ्टी है उसका इम्पैक्ट इसके अंदर बैठी डमीज के ऊपर क्या आता है। यहाँ पे इन्होंने डमीज बिठाई है गाड़ी के अंदर टू रेप्लीकेट एक्चुअल ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे क्रैश टेस्ट करा गया है फ्रंट और साइड इम्पैक्ट देखने के लिए। इधर जो गाड़ियां हैं उधर आपको क्रम्पल जोन्स मिलते हैं ऑन बोथ दी एंड्स, जिसका एम है टू प्रोटेक्ट पैसेंजर कंपार्टमेंट इन द मिडल बाय एब्जॉर्बिंग इंपैक्ट। यहाँ पे मारुति ये भी क्लेम करता है कि वो अपनी हर गाड़ी को 50 क्रैश टेस्ट से इंटरनली लेके जाते हैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इन द इंडियन मार्केट। तो एक तरह से कहा जाए कि मारुति ने अब अपनी गाड़ियों की सेफ्टी के ऊपर भी काफी अच्छा काम करना चालू कर दिया है। बट इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।